दोस्तों यहाँ पर Redmi Note 11 सीरीज के स्मार्टफोन आज से कुछ टाइम पहले चाइना में लॉन्च किए गए थे और उसी टाइम से रूमर्स काफी सारे आ रहे हैं कि ये स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं इंडिया में, ये स्मार्टफोन आएंगे किसी और नाम के साथ में आएंगे। तो फाइनली दोस्तों अगर आप यहाँ पर Redmi Note 11 सीरीज के चाइनीज स्मार्टफोन का इंडिया में लॉन्च होने के लिए वेट कर रहे होंगे तो आपके लिए काफी अच्छी गुड न्यूज है। फाइनली Redmi Note 11 स्मार्टफोन की इंडिया लॉन्च डेट आ चुकी है और तो और सबसे बड़ी गुड न्यूज कि यहाँ पर इस स्मार्टफोन की इंडिया में प्राइस क्या होने वाली है, ये भी जो डिटेल है वो निकल करके आ चुकी है जो कि आज के इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। इसके साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों बात करूं यहां पर Redmi Note 11 स्मार्टफोन के बारे में तो पर्टिकुलरली अभी Redmi Note 11 स्मार्टफोन के इंडिया लॉन्च के बारे में डिटेल है, बाकी के स्मार्टफोन कब आएंगे उसके बारे में डिटेल नहीं है। लेकिन Redmi Note 11 5G स्मार्टफोन जो कि चाइना में लॉन्च किया गया है वो स्मार्टफोन इंडिया में आ रहा है और वो 2021 में ही आ रहा है, आपको 2022 का वेट करने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पर दोस्तों मैं आपको ये इन्फॉर्म कर दूं कि आज यहां पर Redmi Note 11 स्मार्टफोन की जो इंडिया लॉन्च डेट है वो लीक हो गई है और मैंने इसके पहले आपको बताया भी था कि Redmi Note 11 सीरीज के जो चाइनीज वेरिएंट है वो इंडिया में रीब्रांडेड स्मार्टफोन के तौर पे आएंगे। तो फाइनली जो Redmi Note 11 स्मार्टफोन चाइना में लॉन्च किया गया जिसमें आपको Dimensity 810 का 5G प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है तो वो स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होने वाला है Redmi Note 11 T 5G के नाम से और जो Redmi Note 11 T 5G है वो इंडिया में लॉन्च होगा 30 नवंबर को। ये जो स्मार्टफोन है वो यहां पर इंडिया में लॉन्च होने वाला है। ये जो चीज है वो यहां पर लीकर्स की तरफ से और यहां पर काफी पॉपुलर साइटों की तरफ से कंफर्म की जा रही है और उनका कहना है कि ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च करने के लिए सेट कर दिया गया है। तो आप ये समझ सकते हैं कि यार अब जो Redmi Note 11 T 5G स्मार्टफोन आ गया इसका मतलब Note 11 सीरीज आ गई, क्योंकि Note 11 सीरीज अगर नहीं आएगी तो Note 11 T 5G स्मार्टफोन आएगा कैसे। तो Note 11 सीरीज जो है वो 2021 में ही आ गई है आप ये मान करके चल सकते हैं और Note 11 5G स्मार्टफोन चाइना वाला Note 11 T के नाम से आपको यहां पर देखने को मिलेगा और ये स्मार्टफोन लॉन्च होगा इंडिया में 30 नवंबर को। इसमें आपको FHD प्लस डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है और 90Hz की रिफ्रेश रेट के साथ में AMOLED डिस्प्ले नहीं दी गई है, IPS LCD डिस्प्ले पैनल यहां पर आपको देखने के लिए मिलता है। MediaTek Dimensity 810 का 5G प्रोसेसर है, 50 मेगापिक्सल का आपको ट्रिपल रियर कैमरा दिया गया है, 16 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा है, 33 वाट का चार्जर है, 5000mAh की बैटरी है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है और यहां पर LPDDR 4X RAM का सपोर्ट आपको देखने के लिए मिलता है। डिजाइनिंग काफी अच्छी आपको यहां पर देखने को मिल जाती है। अब इसके संबंध में बात आती है कि आखिर ये स्मार्टफोन अगर इंडिया में आता है तो इसकी जो प्राइस है वो क्या निकल करके आने वाली है। तो दोस्तों यहां पर हैरानी की बात यह है कि इस स्मार्टफोन के इंडिया लॉन्च से पहले ही इस स्मार्टफोन की जो प्राइस है वो भी फिलहाल यहां पर लीक कर दी गई है और यहां पर लीकर्स का यह कहना है कि Redmi Note 11 T5G स्मार्टफोन इंडिया में कुछ हमें यहां पर 16,000 रुपए की प्राइस पॉइंट पर देखने को मिलेगा। अब आप कहें कि यार ये स्मार्टफोन तो चाइना में 12,000 रुपए की प्राइस पर गया है, 13,000 रुपए की प्राइस पर गया है तो इंडिया में इतना क्यों, तो ये फिलहाल एक लीक्ड प्राइस है। आपको इसके आसपास में स्मार्टफोन आ सकता है लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि 14-15 हज़ार रुपये की प्राइस पे ये स्मार्टफोन ऑब्वियसली आपको यहां पर देखने को मिलेगा। और इसके साथ में यहां पर मैं आपको ये भी बता दूं कि चाइना की जो प्राइस है वो अलग है, इंडिया में जब स्मार्टफोन आता है तो उस पर काफ़ी सारे टैक्सेस लग जाते हैं, GST वगैरह, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें लग जाती हैं तो जिसकी वजह से स्मार्टफोन की जो प्राइस है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज हो जाती है। तो इसकी वजह से आपको प्राइस में थोड़ा इंक्रीजमेंट देखने के लिए मिलेगा लेकिन यहां पर जो स्मार्टफोन है वो जहां तक मुझे लगता है कि 14-15 हज़ार रुपये की प्राइस पे स्मार्टफोन आपको देखने को मिलेगा इंडिया में भी और काफी एग्रेसिव प्राइस पॉइंट पर ये स्मार्टफोन आने वाला है। तो फाइनली गुड न्यूज आ चुकी है, बहुत सारे लोग वेट करते हैं, काफी सारे कमेंट्स आते थे कि नोट 11 सीरीज कब आ रही है तो आ रही है भैया, नवंबर में ही लॉन्च होने वाली है अभी के हिसाब से और 30 नवंबर इस स्मार्टफोन की इंडिया कंफर्म लॉन्च डेट बताई जा रही है। अब अभी तक फिलहाल कंपनी की तरफ से Redmi की तरफ से ऑफिशियली कोई भी डिटेल नहीं है कि ये स्मार्टफोन कब आने वाले हैं, क्या डिटेल होने वाली है, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि अगर 30 नवंबर लॉन्च डेट लीक होकर आई है तो कहीं ना कहीं खिचड़ी पक रही है और ये स्मार्टफोन ऑब्वियसली आपको देखने को मिलने वाला है और हो सकता है कि आने वाले नेक्स्ट वीक में ये जो ऑफिशियल कंफर्मेशन है वो हमें देखने को मिल जाए Redmi Note 11 T 5G स्मार्टफोन के रिगार्डिंग। तो ये कुछ डिटेल है। अब आपका क्या ओपिनियन है, आप इस स्मार्टफोन को इंडिया में किस प्राइस पॉइंट पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आप क्या क्या चीजें एक्सपेक्ट करें इस स्मार्टफोन से, अपना ओपिनियन मुझे जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। दोस्तों इतना इस वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, इसके साथ अगर आपने यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।